आप मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं, आप मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं, आपके अंदर लालच आ गया है। जी हाँ, ये तमाम बातें किसने कही थी, क्यों झगड़ा हुआ, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष हैं, उनके चाचा आरएलजेपी के अध्यक्ष हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान के द्वारा बनाई गई पार्टी पिछले 2 साल से अलग अलग गुटों में बट गई। चिराग अकेले रह गए, 5 लोग चले गए पशुपति पारस के साथ। तमाम वैसे सांसद जो रामविलास पासवान के करीबी थे जब पार्टी टूटी, तो चिराग को शायद नौसिखिया समझते हुए उन्होंने पशुपतिनाथ पारस का हाथ थाम लिया। पशुपतिनाथ पारस केंद्र में मंत्री बनाए गए। चिराग ने इसका भी ठीकरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा कि नीतीश कुमार ने पार्टी में विभाजन करा दिया है। फिर से चिराग एनडीए में शामिल हो गए हैं और तमाम उनके बयान जो हैं वो आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री से हमारी बात हो चुकी है, मैं जिन सीटों पर पिता रामविलास पासवान के समय चुनाव पार्टी लड़ी थी वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो भी ये साफ कर रही हैं कि चिराग पासवान को 6 नहीं तो 4 सीटें तो निश्चित तौर पर मिलेंगी। लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो हाजीपुर सीट पर आकर अटक गई है। चिराग पासवान राजनीतिक बयानबाजी को बड़े हिसाब से देते हुए कहते हैं कि भाई एनडीए जो है ये फैसला करेगा, प्रधानमंत्री फैसला करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हम जब एनडीए में अभी शामिल हुए हमने जो मांगे रखी वो हमारी मांगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मान ली और हम एनडीए में का हिस्सा फिर से बन गए। चाचा उनके बड़े दुखी मन से कल, तमाम ऐसे मंचों से बयान तो देते ही रहते हैं लेकिन कल बड़े दुखी मन से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में उन्होंने बयान दिया। जब पत्रकारों ने फिर से कुरेदा कि क्या चाचा और भतीजा एक हो सकते हैं, दल टूटते हैं तो जुट सकते हैं, दिल टूटा है कभी नहीं जुटेगा। उन्होंने इतना तक कहा कि चिराग तमाम लोगों के सामने मेरी बेइज्जती किए हैं और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक दिल जुड़ने का कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रूंधे गले से पशुपतिनाथ पारस कल ये बयान दे रहे हैं, ये जानना और देखना आपको भी जरूरी है। आपने एक बड़ी बात कही अपने स्पीच में कि आपका खून और चिराग का खून अलग है, क्यों कहा आपने? मैंने नहीं कहा, जिसने कहा आप उससे जाके पूछो कि मैं क्या गलत कहा हूं, उनसे आप जाके पूछो। उस सभा उस जगह पर उनकी माँ बैठी हुई थी, हमारा बेटा प्रिंस राज बैठे हुए थे, हमारा बेटा छोटा बेटा यशराज मुस्कान बैठा हुआ था और हाजीपुर के दर्जनों लोग थे, सभी लोगों के सामने में उसने कहा कि मैं नीतीश कुमार को मारना चाहता हूँ राजनीतिक रूप से और आप नीतीश कुमार की बड़ाई करते हो, मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दूंगा। मैंने कहा कि देखो मैं किसी के बल पर राजनीति में नहीं हूं और मैं दिल्ली जाना भी नहीं चाहता था, और यदि तुम यही चाहते हो क्योंकि तुम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो मैं अभी इस्तीफा कर मैं पार्टी की सदस्यता से और लोकसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा करता हूं। उसी पर उसने कहा कि आप ये बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। मैंने कहा ये बात यदि स्वयं किसी के पास मोबाइल होगा तो जरूर चेक क्या होगा। मैंने कहा कि देखो ये बात तुम बोल रहे हो, कहा मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा आज के बाद से मैं न तो तुम्हारा चाचा हूं और न तुम मेरा भतीजा हूं।
आपके द्वारा संबंध नेवर 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 नेवर। दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। मैंने अभी एक रहीमन कवि की कहानी कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। मैंने अभी कहा अपने भाषण में, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का क्या है। बीजेपी का प्रयास है कि वोट का बंटवारा नहीं हो। मैंने बीजेपी के तमाम लोगों से मैंने कहा कि आप चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन में ले लो, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा दिल टूट चुका है, दिल नहीं जुट सकता। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, और बीजेपी के हमारे दो बड़े नेता बैठे हुए हैं, संजय पासवान जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, ललन पासवान जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं बिहार से, इन लोगों के सामने मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी को बीजेपी के लोगों ने एनडीए गठबंधन में मिला लिया है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। आज बुक का मरम। तो ये थे पशुपति पारस। कहा कि दल टूटते हैं तो मिल सकता है, सर्जरी हो सकती है दल के टूटने की, दूसरे लोग को लिया जा सकता है, लेकिन जहां दिल टूटा है वहां सर्जरी नहीं हो सकती। अब देखना है क्या कि वक्त के साथ इस घाव पर मरहम लगता है या नहीं, इस पर काफी इंतजार रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।